थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से ही कुरुक्षेत्र शहर की सड़कों का धीरे धीरे कायाकल्प हो रहा है। इस शहर की सड़कों का धीरे धीरे नव निर्माण किया जा रहा है और अभी जितनी भी शेष सड़कों की हालत खस्ता है उनके एस्टिमेट भी तैयार करके सरकार के पास भेजे जाएंगे। इस शहर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना उनकी एकमात्र प्राथमिकता है। विधायक सुभाष सुधा आज डीसी आवास चौक से ब्रह्म सरोवर तक सड़क के विशेष मुरम्मत कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा ने विधिवत रूप से 1,78,17,000 रुपए की लागत से सड़क के विशेष मुरम्मत कार्य का शुभारंभ किया। विधायक ने कहा कि डीसी निवास से ब्रह्म सरोवर तक सुंदरपुर आरओबी को छोड़कर 2911 मीटर सड़क का निर्माण कार्य किया जाना है। इस कार्य को करने का जिम्मा कैथल की विजय कंसल्ट फर्म को दिया गया है और यह एजेंसी अगले 2 माह में सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने का प्रयास करेगी। सरकार ने थर्ड ग्रेड से लेकर ज्योतिसर तक सड़क का नव निर्माण करने के लिए सरकार ने 26,72,00,000 रुपए की प्रशासनिक अनुमति दे दी है। अब इस सड़क का निर्माण कार्य भी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शुरू कर दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग की तरफ से थानेसर की 13 सड़कों का निर्माण करने के लिए करीब 27 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सरकार के पास भेजे हैं। उन्होंने कहा कि थर्ड ग्रेड से लेकर ज्योतिसर तक सड़क का निर्माण करने के लिए मुख्यमंत्री से विशेष रूप से मांग की थी। मुख्यमंत्री ने गीतास्थली ज्योतिसर तक सड़क का निर्माण करने के लिए अनुमति दे दी है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग की तरफ से करीब 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण करने के लिए प्रशासनिक अनुमति प्रदान करने के साथ साथ 26,72,00,000 रुपए बजट की भी मंजूरी दी है। सरकार ने गांव बारना से लेकर रायसन हथीरा की सड़क का निर्माण करने की अनुमति प्रदान की है। इस सड़क के निर्माण के लिए सरकार ने 1,86,00,000 रुपए के बजट की भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से पिहोवा से रावगढ़, अमीन रोड से चंद्रभानपुरा गांव के स्कूल तक, गांव जामा से किरमस तक, नंदा जी संस्थान बस्ती बाजीगरा, गांव कमोदा से लोहार माजरा वाया खजीरपुरा, गांव दयालपुर से लेकर कैंथल गला झांसा रोड से अम्बाला वाया भिवानी खेड़ा, लुक्खी बचकी मणिकपुर तक, सलारपुर रोड सेन चौक बीआर इंटरनेशनल चौक नई अनाज मंडी रोड, झांसा रोड से रेलवे क्रॉसिंग कीर्ति नगर और गांधी नगर खेड़ी मारकंडा से सिरसला कसेरला वे कनीपला रोड तथा थानेसर पिहोवा रोड बक्तला से मुंडाखेड़ा रोड की सड़कों का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है। इस सड़कों के निर्माण में मुरम्मत पर करीब 27 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इसके अलावा भी कई सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। इस मौके पर पूर्व पार्षद मनिंदर छिंदा, क्रैतीलाल सिंगला, भाजपा नेता धर्मपाल चौधरी, डीपी विशाल शर्मा, नितिन भारद्वाज लाली, दीपक राणा, दुष्यंत शर्मा, गुरुदेव आदि उपस्थित थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सम्मान के हो हमारे यहाँ से मुस्वत घोंसला भाई मनिंदर जी, आपके बीच में बहुत ही अच्छा यहाँ भी स्पीच रखे गए भाई डीपी जी, जो कि यहाँ से जिला परिषद का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। मैं बड़वास में आपको उसकी बता दूँगा। इसी के साथ हमारे बीच में बैठे बड़े बड़े भाई कैथीला सिंगला जी, जो बहुत वर्षों तक मेरे साथ कमेटी के अंदर मेंबर भी रहे, हमारे काउंसलर विशाल शर्मा जी, हमारे एमसी विजय शर्मा जी, भाई एमसी सुनील शर्मा सुनील जी, हमारी मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन भाई श्री सैनी कुक्कू जी, हमारे लोक स्वीति के चेयरमैन भाई देवीलाल शर्मा जी, भाई नरेश जी, भाई शशि जैन जी, हमारी मंडी एसोसिएशन के प्रधान दयाल जी, हमारे भाई बिल्लू जी, भाई यशपाल नारंग जी, हमारे काउंसलर बलवीर जी, भाई उमा शंकर जी, मास्टर जैक्सन जी, भाई सुशील जी, भाई गुनाम रोजी जी, भाई विंदर पाल जी, भाई अभिषेक सिंगला जी, हमारे बहुत ही अच्छे एक्शन भाई अतीश अग्रवाल जी, हमारे प्रधान गुरुदेव जी, हमारे विश्वकांत जी, हमारे एमसी भाई मोहनलाल अरोड़ा जी, भाई दीपक सराना जी, मेरे मंच का संचालन कर रहे हमारे रामवीर शास्त्री जी, हमारे बारना से हमारे भाई गुरिंदर जी, याद नहीं क्या खबर नंबर हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उद्वा की रिपोर्ट।